नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टैली के नए अपडेट के बारे में। टैली का न्यू रिलीज आ गया दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, मैंने ये न्यू रिलीज इंस्टॉल कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप हेल्प पे जाएंगे और अपग्रेड पे जाएंगे तो देख सकते हैं टैली का नया रिलीज आ गया है 3.0.1, जो कि लेटेस्ट रिलीज़ है और ये इंस्टॉल हो गया है मेरे सिस्टम में। इससे पहले टैली अपना नया रिलीज लेकर आई थी 3.0। ये जो रिलीज़ है 3.0.1, जिसके अंदर टैली ने इनवॉइस में इम्प्रूवमेंट किया है, GSTR 3B और GSTR 1 के अंदर इम्प्रूवमेंट किया है। चलिए समझेंगे बहुत कुछ डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप जो इस अपडेट में आया। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, इसके अंदर जो चेंज लेके आई है टैली, वो लेके आई है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ GSTR 1 के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि GSTR 1 के अंदर बदलाव क्या है, दिखाता हूँ। डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट और GST रिपोर्ट में आएंगे। तो यहाँ पे एचएसएन कोड अगर ब्लैंक होता था तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे, मिसमैच में आता था, लेकिन गवर्नमेंट ने एचएसएन कोड को एग्जेम्ड भी कर रखा है, जिसकी टर्नओवर कम है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे 5 करोड़ से कम है तो B2B केस में तो मैंडेटरी है, B2C के केस में दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो एचएसएन कोड किसके लिए मैंडेटरी है? एचएसएन कोड उसके लिए मैंडेटरी है जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसको सभी सप्लाई के लिए दिखाना पड़ेगा। जिसकी 5 से कम है उसको सभी सप्लाई से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे B2B में तो मैंडेटरी है, एक्सपोर्ट में मैंडेटरी है, B2C के अंदर एग्जेम्पशंस मिल जाती है। B2C के केस में ऑप्शनल है, आप चाहो तो दिखा सकते हो या छोड़ सकते हो। अब ऐसे में जहाँ पे ऑप्शनल है वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता टैली के अंदर कि हम उस तरह की एंट्री को इग्नोर करें, क्योंकि टैली एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम करता है। GST रिटर्न की जो जीएसएन फाइल बनती है R1 की, उसको प्रॉब्लम करता है। उसी का सॉल्यूशन अभी इस रिलीज में दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लैंक एचएसएन कोड की एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ये कंपनी ले लिया और यहाँ पे एक कार्ड दे सकते, ठीक है, यहाँ पे एक आइटम लेते हैं, बैग्स करके आइटम लिया और ये पीसीएस के अंदर है, ठीक है। इसका एचएसएन कोड नहीं ले रहा मैं, केवल टैक्स रेट ले लेते हैं, टैक्स रेट 5% ले लिया। और कितने पीस सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 100 पीस सेल कर रहे हैं, जो कि 50 रुपीज़ का ईच है, और सेल अकाउंट ले लिया यहाँ से। देखो टैक्स उठा लिया इसने, अभी इसको करेंगे सेव, इनवॉइस को बंद कर देते हैं, ये एंट्री हो गई सेव, इनवॉइस जनरेट नहीं करना। 17 जुलाई की एंट्री है, डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट GST रिपोर्ट R1 में आएंगे। और यहाँ पे 17 जुलाई की डेट डाल के दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, बोलता है कि एचएसएन कोड ब्लैंक है। ये देखो एचएसएन कोड दिखाया नहीं है, यहाँ भी जाओगे तो एचएसएन कोड बोलता है ब्लैंक है, भरा नहीं है। ऐसी ट्रांजेक्शन को अब आप इसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं रिटर्न के अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इसे बिना एचएसएन कोड के फाइल करना चाहूँ तो एक्सेप्ट करके इंक्लूड कर लूँगा। जैसे एक्सेप्ट करूँगा ये रिटर्न में जाके इंक्लूड हो जाएगी, देखो एचएसएन का जो एरर है वो ख़त्म। हालांकि ये मेरी B2B सप्लाई है, जो अभी सप्लाई दिखाई मैंने आपको, ये B2B सप्लाई है और B2B सप्लाई के अंदर एचएसएन मैंडेटरी है। लेकिन अगर B2C सप्लाई होती है तो उसमें मैंडेटरी नहीं होता, 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर है तो ऑप्शनल होता है, चाहे तो दिखा सकते हो। हालांकि आज की डेट में सभी सप्लाई का एचएसएन कोड दिखाना चाहिए, क्योंकि 9 में भी फिर एचएसएन कोड की डिटेल जाती है। फिर भी यहाँ पर टैली ने एक ऑप्शन दे दिया है कि भाई आप जिसका एचएसएन कोड भरा नहीं है उस एंट्री को अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो एक्सेप्ट करके रिटर्न में इंक्लूड कर सकते हो। ये रिटर्न में एंट्री आ गई है। अगला जो अपडेट है GSTR 3B से रिलेटेड है, डिस्प्ले स्टेचुरी रिपोर्ट GST रिपोर्ट में आओगे तो देखो 3B जो होता है वो ऑटोमेटिक बेस पे जनरेट होता है। उधर आपने R1 फाइल करी, सप्लायर ने अपनी R1 फाइल करी, वहाँ से ITC उठ जाएगा जो कि 2B के थ्रू आता है, और जो अब आप R1 फाइल करते हैं वहाँ से टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा।
तो ऑटोमेटिक आपकी 3B बन जाती है। लेकिन कई बार होता क्या है, पोर्टल पे 3B जनरेट नहीं होती, रिटर्न आपने लेट फाइल करी, आपकी 2B जनरेट नहीं हुई, उस केस में ऑटोमेटिक 3B बनता ही नहीं है। अब ऐसे केस में मान लो B2C सप्लाई है, B2C सप्लाई में होता क्या है, स्टेट वाइज डिटेल देनी पड़ती है। अब मान लो आपने, आपकी 1000 एंट्री है, 500 एंट्री है, हर स्टेट की अलग अलग है और कई सारे टैक्स ब्रैकेट है, तो 3B बनाने के लिए कम से कम आपको एक दिन का चाहिए होगा, क्योंकि उसमें स्टेट वाइज उठाया गया नहीं, आपको स्टेट वाइज सारी एंट्री मारनी पड़ेगी। ऐसे केस में देखो, यहाँ पे टैली ने फायदा ये कर दिया है कि 3B को अब आप JSON फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हो, और इस JSON फाइल को डायरेक्ट 3B GST पोर्टल पे अपलोड करके फाइल कर सकते हो अपनी रिटर्न को। जब आपकी ऑटोमेटिक नहीं जनरेट होती है तो उस केस में आप इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सपोर्ट रिटर्न में जाओगे, GST रिटर्न में जाओगे, और यहाँ से एक्सपोर्ट में जाओगे, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे। देखो JSON का ऑप्शन आ गया, पहले एक्सेल था, अभी JSON डाटा इंटरचेंज का ऑप्शन आ गया, इसको JSON फॉर्मेट में अब आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ से लोकेशन देंगे, जहाँ भी आपको सेव करना है JSON में एक्सपोर्ट कर सकते हो। इससे जब आपकी 3B ऑटोमेटिक नहीं बने तो आप यहाँ से JSON फाइल को उठा के GST पोर्टल पर डाल के रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो। इसके बाद जो अगला अपडेट है वो इनवॉइस से रिलेटेड है। GST पोर्टल पे टैली से इनवॉइस बनाने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टैली ने इनवॉइस के अंदर चेंजेस किया है। जैसे अब आप इनवॉइस फॉरेन पार्टीज के लिए बना सकते हो, ई इनवॉइस में बिल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी भी उसको देख सकते हो, और भी छोटे मोटे चेंजेस जो है वो इनवॉइस के लिए टैली ने यहाँ पे किया है। तो ज़्यादा कुछ बड़ा अपडेट नहीं था इस रिलीज़ के अंदर, यही अपडेट था एक इस रिलीज़ में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।